What's up? Welcome to 365 days, 365 vlogs. Guys, how are you all? I hope you all are good. तो अभी मैंने रात में ही vlogging start कर दी है और मैंने इसलिए की है क्योंकि अभी एक बहुत ही गंदा scene हो चुका है. तो जो मैंने mic मंगाया था अपने camera के लिए, वो उसकी जो wire है, उस दिन आया, उस दिन मैंने try किया, उस दिन perfectly चल रही थी. अभी जब मैंने try किया एक दिन पहले, वो चल ही नहीं रही. तो उसको return के लिए भेज रहे हैं. बट जब तक है तब तक अभी मैंने जुगाड़ बिठा लिया है. मेरे पास तार थी, उससे जुगाड़ हो गया है. बट हमारा अभी बहुत ही गंदा वाला कटा है. फिलहाल के लिए मेरे को पीनट्स ही मिल गए, यही बहुत है. 5-10 मिनट मैंने उठे रहना, मेरे को वापस नींद आ जाएगी. मेरी आंखों में नींद है, मैंने पता नहीं क्यों ये व्हाइट लाइट जला लिए. बट कोई ना, कल सी यू गाइस इन द मॉर्निंग. व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग. आई एम अप. हेलो आमी, पढ़ती हो? मजा आया सो के. क्लासेस भी अटेंड कर रहा हूँ. मैंने कहा थोड़ी देर बाद कैमरा उठाते हैं, अभी क्लासेस थोड़ी बहुत अटेंड कर लेते हैं. तो अभी तो क्लासेस अटेंड हो रही हैं. आई गॉट माय हॉट चॉकलेट्स, वे टू हॉट. बट कोई ना, पापा अलग कमरे में, अभी मैं थोड़ी देर बाद उनको भी व्लॉग में लाऊंगा. एंड डेली व्लॉगिंग टफ होने वाला, मजाक नहीं है. 365 डेज, 365 व्लॉग. बट जब चैलेंज ले लिया है तो करना तो पड़ेगा. एक तो सेटअप इतना हैवी है ना, हाथ में दर्द हो जाता है मेरा, मजाक से हट के. मैं एक चीज के ऊपर तो बात ही करना भूल गया. अब जैसे मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मजे आने वाले हैं नॉर्मल. बट इसमें लोग कह रहे कि तेरी स्टडी हैम्पर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. नहीं यार, नहीं होगा. स्टडी के टाइम भी ये व्लॉग्स और रील्स दोनों रहेंगे. बस दिक्कत ये है, मेरे को मैनेज करना पड़ेगा. देखो डेली बनाने, रील्स में एक दो दिन में स्टॉक बना लेता हूँ. अब ना थोड़ी थोड़ी ना मेरे को व्लॉगर जैसी फीलिंग भी आ रही है. सेटअप भी वैसा हो गया है, प्लस हर दो मिनट में उठ के मन कर रहा है कि हाँ कुछ बोलू. यार ये एडिक्टिव तो है, कुछ भी कहो मजा आने वाला है. करते हो, मैं बार बार बोल ही जा रहा हूँ ये चीज की मजा आने वाला है. हाँ आने वाला है. बस यार इस कैमरा की ना एक दिक्कत है, इसमें ना लो लाइट नहीं है, ना ऑटो फोकस है. दबा के ऑटो फोकस करना पड़ता है. ऐसे नहीं कि अपने आप फोकस कर लिए, है भी पुराना कैमरा. बट जो भी है यार, अभी मोर देन इनफ ही है फॉर द टाइमिंग. कोई ना, अभी चलने दो, थोड़ा नया कैमरा भी ले लेंगे. बट ये है कि मैं फोन कैमरा दोनों से ही शूट करूंगा. ये सो के उठेंगे तो मैं डायरेक्ट कैमरा तो नहीं उठाने जाऊंगा ना, फोन से करूंगा. अब ना मैं इधर टिप्स विप्स नहीं दे रहा हूँ व्लॉगिंग में. जितना बोलोगे ना उतना आपकी ऑडियंस बोर नहीं होती. ऐसे होते हैं बच्चे, इंग्लिश के पीरियड में हिंदी में बात करते हैं बच्चे. इंग्लिश के पीरियड में हिंदी में क्यों बात कर रही हो आप? ऐसे बच्चे होते हैं, इसका सही है यार. ये क्लास करे ना करे इसको कोई नहीं कहता. और मैं करूँ तो भी मेरे को डांटेंगे, नहीं करूँ तो भी मेरे को डांटेंगे. यार मतलब छोटा सिबलिंग है ना, एल्डर सिबलिंग्स कैन रिलेट टू दिस. इसको क्या ही बोले. शी इज इन फर्स्ट. ओके फाइनली मैम इज फ्री फ्रॉम हर बिजी शेड्यूल. हेलो मैम. मैम हाउ आर यू? मैम आप इतने बिजी क्यों रहते हो? पांच क्लास होती है. कितनी? मेरी सात होती हैं. सात होती हैं? मेरे को पता ही नहीं मेरी कितनी क्लास होती है. अच्छा अच्छा वो सब छोड़ो, आप ये बताओ आप इंग्लिश के पीरियड में हिंदी में क्यों बात करती हो? मुझे अच्छा लगता है. दीदी हमारा होमवर्क करती है, हमारा घर का. ये है मैडम की चोर, इनकी चलती है. मैंने बोला ना छोटे सिबलिंग्स की चलती है. आगे जाके बदला लूंगा. मैं सिर्फ एक लाइन लिखा, बाकी सारा. एमी ऐसा क्यों? गुड नाइट. पापा को बोलूंगा, पापा मेरे को डांट देंगे. नहीं वो बच्ची है, कोई ना कोई बात. अभी ना मैं दो मिनट के लिए नीचे ही गया था और जैसे नीचे उतरा इतनी धूप, अच्छा टावर के सामने ही जाना था. बहुत धूप हो रही है नीचे, मेरी तो हालत खराब हो गई. दो मिनट में निकल के जो गर्मी के चटके लग रहे थे ना, जो लिजिट मेरे को चटके ही लग रहे थे अभी नीचे जाते हुए, भाई हालत खराब हो गई इतनी तेज गर्मी. ये आंदोलन कर रही है महाराज जी. और आंदोलन किस चीज के ऊपर, कृपया करके बताएंगी? मेरा सामान नहीं आया. और इसका सामान आ भी जाएगा. क्या लिखा क्या है? मेरी मांगे पूरी करो. लामा पाकारा, मेरी मांगे पूरी करो. मतलब जो आज तक मेरे टीचर ने मेरे को हिंदी पढ़ाई ना वो सब गलत है. मैडम ने एकदम सही, एकदम एक्यूरेट हिंदी लिखी. कौन से 500 रुपए? आ चुका है आलू पराठा और दही. इसको जल्दी जल्दी खाते हैं, फिर वापस क्लास अटेंड करना और एडिटिंग पे बैठते हैं. बहुत तेज भूख लग रही है. तो मैंने जस्ट अभी अपना ब्रेकफास्ट खत्म ही किया था कि हमारी मैनेजर का कॉल आ गया. और ये मैनेजर बोल रही है कि मेरे को भी व्लॉग में डाल. सो आई एम फोर्स्ड टू पुट हर इन दिस व्लॉग, सो प्लीज बेयर विद इट. अगर ऐसे मैनेजर होंगे ना भाई, हमारा करियर तो डूब चुका है. तो अभी क्या हुआ, जैसे मैंने रात में बताया था इस माइक की प्रॉब्लम, तो अब लेने आए थे अमेज़न से. बट मेरे को लगा वो रिटर्नेबल बेसिस पे दूसरा माइक लाएंगे, जिससे मैं ये दे दूंगा और वो मेरे को नया माइक दे देंगे. तो इस चक्कर में अभी मैंने माइक तो दिया नहीं है. अब लेट्स सी क्या करना है. या तो इसकी मैं नई केबल मंगाऊं. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? चलिए बताओ नानी जी के यहाँ क्यों जा रहे हैं? लेक्सा ओपन कर दें. बहुत बढ़िया, आपको तो वही चाहिए ना. ये बताओ हमारा, आप पढ़ती क्यों नहीं हो? आपके सर पे करूंगा. उल्टा जवाब. फिर बदला लिया जाएगा, इतनी धूप है यार. तो एज यू नो यहाँ माफिया रहता है. ट्यूशन ऐसी है, माफिया अभी हमारे पास नहीं आ रहे हैं. खाने का मन नहीं है, माफिया जी का मन नहीं है. तो इस रूम में अभी नानी जी हैं, किचन में एमी और नाना जी है. हाँ आने वाले टाइम में दोनों को देखते, जल्दी रिवील नहीं करूंगा, घर वालों को दिखा दूंगा.
अभी एमी में माफिया सीमा दीदी हैं और मम्मी पापा शायद से ब्लॉग में, बट धीरे धीरे करके सारी फैमिली जब कंफर्टेबल होगी तभी सब। अभी हमारे साथ दो चीजें हुई हैं, हम जो एलेक्सा की अनबॉक्सिंग और सेटअप करने गए थे वो नहीं हुआ, नानी जी ने हमें डांट मार दी है। दूसरी चीज ये, वो तो मेरे को बताना ही था, दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी मैं न्यू हूँ डेली ब्लॉगिंग में, मैंने पहले ब्लॉग्स जो बनाए वो बनाए, बट अब डेली ब्लॉगिंग में मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा यूज टू होने में, थोड़ा बहुत फॉर्मेट लर्न करने में, इंप्रूवमेंट देगी, तो एज सच को एक्सपेक्टेशंस रखना मत। और ये मेरा मास्क भी उठ चुका है, अभी मेरे को मास्क भी उठाना पड़ेगा। चलो आमी घर, चलो घर चलो। और ये कुछ पार्सल है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। बॉक्सिंग विद वी बॉय में आपका स्वागत है। तो आज हम अनबॉक्स करें इतना बड़ा अमेज़न का डब्बा, और ये हमने बहुत ही प्यार से फाड़ा, मजा आ रहा है। कुछ कागज आपके लिए हैं, और ये हमें मिला है पास्ता के पैकेट, पास्ता के पैकेट आए हैं इतने बड़े पास्ता के, सॉरी डब्बे के भी। और दूसरे में है आटा, मतलब हमारे काम को इसमें सिर्फ है एक चाटा, और चाटा भी किस चीज का, कि हमारा पोपट हो चुका है, हमारा कट चुका है, पहले माइक के लिए कटा, अब इसके लिए कट चुका है, हमको लगा हमारे लिए कुछ होगा, है ना एमी? फिर ये गलत है यार, मतलब अनबॉक्सिंग विद वी बॉय में एक्सपेक्ट किया था कि हाँ कुछ अच्छा मामला होगा। अभी जो ठंडे पानी से नहा के मजा आया ना, लाइक इतने दिनों बाद ठंडा पानी आ रहा है, क्योंकि धूप के चक्कर में हमेशा गर्म पानी आता है, मौसम भी अच्छा है, पानी भी ठंडा आ गया। अब मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, सो यार है मौसम जितना प्लेजेंट घर से लग रहा था उतना मौसम प्लेजेंट है नहीं, काले बादल है हल्के बल्के, बट स्टिल ह्यूमिड तो है। अब मेरे को 1.5 घंटा बास्केटबॉल अभी खेलना है, ग्राइंड चालू रखनी है, हाथ में जो दर्द हो रहा है ना इस समय बाहर आके, घर में उतना फील नहीं हो रहा था, बट बाहर आके और ना ये लाइटिंग की बड़ी दिक्कत है। सो अभी तीसरी बार हमारा जितने में वापस कट चुका है। अब जो ब्लूटूथ डोंगल है जिससे मैं रोज अपना स्पीकर चलाता हूं, वो अब डोंगल काम नहीं कर रहा, उस चक्कर में मैं गाने नहीं बजा पा रहा, 10 मिनट इसमें ऐसे ही बर्बाद हो गए। तीसरी बार कट गया भाई इस दिन में, फर्स्ट डे ऑफ 365 डेज, 365 ब्लॉग, 3 बार कट गया, ये तो होना ही था। शॉर्ट शॉर्ट है। डू यू फील फ्रस्ट्रेटेड जब बास्केटबॉल की जो रिंग है, तो रिंग में बॉल घूम के वापस बाहर आ जाती है, या रिंग के अंदर से हल्का सा डॉज होकर बाहर आ जाती है। ऑन दैट नोट आई विल एंड टुडेस व्लॉग, इफ यू लाइक्ड इट गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड कमेंट, टेक केयर, स्टे सेफ, दिस इज वी बॉय के वंश साइनिंग ऑफ, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच टुमारोज़ व्लॉग टू।